अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज पर। हैदराबाद पुलिस ने शहर के तमाम तिजारी और कारोबारी इदारे, दुकानात, शोरूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह की इंतजामिया को हुक्म दिया है कि वो रोजाना रात 10:30 बजे अपनी दुकान बंद कर दे। उन्होंने हुक्म दिया गया है कि सीधा 10 बजे से 11 बजे के दरमियान तमाम दुकानात बंद हो जानी चाहिए, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। पुलिस ने ये हिदायत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हुक्म पर जारी किया है। बताया गया है कि रेवंत रेड्डी ने शहर में जराइम के वाकियात के पेश नज़र लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल का जायजा लेने के बाद यह हुक्म दिया गया है। पुलिस ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो सड़कों पर अजनबियों को लिफ्ट ना दे और देर रात तक शहर के सड़कों और गलियों में बेमकसद ना घूमे फिरे, जिससे परहेज करे। पुलिस ने अवामी मुकामात पर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। पुलिस ने शहरियों को मुअत्तल किया कि अगर वो किसी भी मुजरिमाना सरगर्मियों को देखते हैं तो सीधा 100 नंबर डायल करके पुलिस को इसकी इत्तला दे। आम से कहा गया है कि वो पुलिस के साथ ताउन करें और कानून के खिलाफ वर्जी ना करें। राजस्थान के जयपुर में झड़प के बाद हालात कशीदगी हो गए। ईदगाह की गेट की तामीर के एतराज के बाद दो फिरकों में तशद्दुद हुआ। पुलिस ने कम से कम 50 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश के दौरान दुकानें जलाई गई है, कारों और पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है। मुकामी अफराद ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने बेकसूर अफराद को गिरफ्तार किया है और जनमन के मुजाहरा किया। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुई है जिसमें पुलिस एक मखसूस ग्रुप को तशद्दुद से रोकने के बजाय तमाशा बना हुई है। हालात अब काबू में है और पुलिस इलाके में घुस कर रही है। हालात काबू की इतला। मिक्सिंग मार्शल आर्ट MMA की मशहूर शख्सियत जैफ मॉन्स ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया है। यह खबर 21 जून 2024 को ब्रेक हुई है, जब मॉन्स ने अपने रोशनी सफर को मीडिया और फैंस के साथ शेयर किया। मैक्सिको में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मॉन्स, जिनके पास अमेरिका और रशिया की शिनाख्त है, इन्होंने कहा है कि इस्लाम कबूल करने के फैसले गहरी ज़ाती तैर से और कई बरसों की खुदसानी के बाद आई है। मंसूर ने बयान दिया कि कहा कि इस्लाम में उन्होंने अमन और मुकम्मल होने का एहसास दिया है। उनके फैसले ने MMA कमेटी और फैंस की तवज्जो और हिमायत हासिल की। नीट UG इम्तिहानात के पेपर लीक के बाद मुल्क के एहतजाज को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने CBI को इस मामले की जांच में तहकीकात का हुक्म दिया है। वजीर तालीम ने CBI को नीट UG इम्तिहानात 2024 के बेकैदियों में मामले सुना है। इस फैसले के चंद घंटों पहले NTA को तुदिक कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है और प्रदीप सिंह के केरल को NTA के लाजिम चार्ज दिया गया है। वजारत ने कहा है कि हुकूमत इम्तिहानात की तस्दीक और तलबा के मफीद तहफूज करने के लिए पुरजमन है और बेजब्तियों में मुलविज अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। मरकज ने कहा है कि ISO पर पुराने चीफ की सरबराही में एक अर्जेंट कमेटी तख्सीस की है। NTA के जरिए नीट के और दूसरे इम्तिहानात के मनसूब इंतखाबात के लिए ज़रूरी सफाइश करेंगे। वजीर तालीम ने एक अहलकार ने बताया कि कमेटी के अरकान में एम्स के पूरे डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट्स BJ राव, IIT मार्ग के प्रोफेसर K रामामूर्ति, IIT दिल्ली के प्रोफेसर आदित्य मूर्ति और जॉइंट सेक्रेटरी गोविंद जायसवाल शामिल है। ये कमेटी डाटा सिक्योरिटी और NTA प्रोटोकॉल का भी जायजा लेगी और बेहतरी के इकदाम तजवीज करेंगी। यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट किया है कि दुनिया भर में 87 मिलियन से ज़्यादा लोग अपने ही मुल्क के अंदर बेघर है। उनके जनरल सेक्रेटरी स्टाइट गेडर ने खास मशीर रबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अंदूरी नकली मकानी मसाइल का हल के लिए कमेटी बनाया गया है जो आलमोस्ट 2 साल के अमल में है। इन्होंने कहा है कि दुनिया भर में अफराद की नतीजे में बेघरों लोगों की तस्दीक में इजाफा हुआ है और सूडन में सबसे ज़्यादा नकल मखानी हुई है। दिल्ली में इन दिनों खाने पीने की चीज़ें ऐसी नज़र आ रही है जिसे देखने के बाद लोग अब बाहर का खाना खाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। हालिया में गुजरात के अहमदाबाद में एक रेस्टोरेंट में चॉकलेट शेक की बॉटल में
मुर्दा चूहा निकलने की वीडियो इंटरनेट पर काफी हंगामा किया है। इस सिलसिले में अब एक और वीडियो सामने आई है जिसमें असम्बर में एक मुर्दा चूहा मिला है। ये हकीकत में है कि हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में एक रेस्टोरेंट में मुर्दा चूहा मिलने की खबर सामने आई है। क्या आप भी अब बाहर का खाना खाने को पसंद करेंगे या फिर घर के खाने को ज्यादा तरजीह देंगे? नागपुर के मशहूर चाय वाले डॉली चाय वाले ने इस साल फरवरी में बिल गेट्स को चाय पिलाने के बाद काफी शोहरत हासिल की है। उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर अब 10,000 से लाखों तक पहुंच चुके हैं। उनकी कई वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है। अब उनकी एक नई वीडियो समंदर के साहिल पर चाय बनाते और सर्विस करते हुए नजर आई। वीडियो वायरल हुई, इंस्टाग्राम यूजर की तरफ से मुख्तलिफ रिएक्शन का इजहार किया जा रहा है। इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा है कि सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल जाना जाता है, और एक यूजर ने लिखा है कि सब कुछ मुमकिन है अगर आप मेहनत करते हैं। सफा टीवी न्यूज़ भी आपके लिए बेहतरीन खबरें लाने की कोशिश में मेहनत करते हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। यूट्यूब को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम को फेसबुक को फॉलो करें। तेलंगाना के आदिलाबाद में तेज बारिश हुई है। जिले के कुछ इलाकों में बारिश के वक्फे कुछ इलाकों में मुसलसिल थी। भीम जिले के अदगार ब्रिज पर बनाई गई अर्जी ब्रिज में पानी दाखिल हो गया है, जिससे ब्रिज पर मुख्तलिफ असर तक नजर आ रही है। निर्मल के जिले में बारिश के कदम प्रोजेक्ट में पानी दाखिल में इजाफा हुआ है। आदिलाबाद के उदूर में 13.1 cm बारिश रिकॉर्ड हुई है। जुमे और हफ्ते की बारिश के बाद आदिलाबाद मंडल के देहरी की सड़कों पर कीचड़ नजर आ रहा है। डिमरीज मंडल में घाट से तक 4 किलोमीटर लंबी सड़क तक कीचड़ से मोटरसाइकिल और आवाम को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद में एक भयानक वाकया सामने आया है, जब 15 आवारा कुत्ते ने सुबह की सैर के लिए निकलने वाली खातून पर हमला किया। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई और इलाके में सनसनी फैल गई है। रफी दफा के शरपदी कॉलोनी में ये घटना घटी है। खातून ने बहादुरी से आवारा कुत्तों से अपने आप को बचाया, जबकि वो गली और सड़क पर खकेली थी। वीडियो में देखकर लोगों ने खातून की हिम्मत को सलाम किया और शहर के अड्राइज को आवारा कुत्तों को खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालिबा किया गया है। शहर के आवारा कुत्तों से बचने के लिए आवाज उठाई जा रही है। हैदराबाद में एक अजीब व गरीब वाकया सामने आया है, जब एक शख्स ने टमाटर को काटने के बाद उसमें अजीब व गरीब चीजें देखी गई। जो बाग में टमाटे के बीजियां निकले। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने और लोगों के बीच हैरत अंगेज गुफ्तगु के सबब बन गया है। शख्स ने रद्द पर अपने तजवीज में ये बनाया कि उन्होंने पहले लगा के टमाटर में कीड़े थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये छोटी सी बीजियां हैं। इस हादसे पर लोगों ने तनख और मजाक के कमेंट्स मिले और उनके मुख्तलिफ रिएक्शन सामने आए। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफारी वीडियोज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए यूट्यूब को, और साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करें, ताकि हर और अहम खबर आप तक मिलते रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज़ आइसक्रीम नहीं होती? आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है, और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं? या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं, तो चले आएं यू नीड एंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1,000 हो या 1,00,000, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यू नीड एंटरप्राइजेस बिसाइड लाइफलाइन हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरापी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।